हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टर्निंग चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि लेथ ऑपरेशन टैपर टर्निंग के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर है। ये चैप्टर बहुत ही खास चैप्टर है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये चैप्टर को आप ध्यान से देखिए बिना फॉरवर्ड किए हुए। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, चैनल में जो नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपसे मिस ना हो। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1462। टैपर्स आर यूज्ड फॉर डेस। टैपर का उपयोग डेस के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, इजी असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ पार्ट्स। ऑप्शन बी, गिव्स सेल्फ अलाइनमेंट इन द असेंबल्ड पार्ट्स। ऑप्शन सी, एसिड्स टू ट्रांसमिट ड्राइव इन द असेंबल्ड पार्ट्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। टैपर्स का यूज़ कहाँ पर होता है? ये असेंबली और डिसअसेंबली करने के लिए, पार्ट्स को असेंबल और डिसअसेंबल करने के लिए यूज़ होते हैं। सेल्फ अलाइनमेंट देता है और इजी होता है किसी भी ड्राइव को ट्रांसमिट करने के लिए। यानी आंसर हो जाएंगे ये सारे ऑप्शन डी। नहीं, आपका आंसर गलत है। सिर्फ असेंबली और डिसअसेंबली के लिए नहीं यूज होता है, ये सारे चीज़ के लिए यूज होते हैं टैपर्स। टैपर क्या होता है देखिए, मान लीजिए एक जॉब है। देखिए ये होता है, सॉरी, ऐसे ये स्मॉल डाया है और ये बिग डाया है। यहाँ से जो डाउन हुआ है इसी को ही बोलते हैं टैपर। इसे आप इजीली असेंबल कर सकते हैं और डिसअसेंबल भी कर सकते हैं। क्या होगा अगर फ्लैट होगा तो किसी भी पार्ट्स का, देखिए इस तरह फ्लैट होने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है किसी होल में अंदर जाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1463। टैपर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेस। टैपर को डेस में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए, गिविंग द बिग डाया स्मॉल डाया एंड लेंथ ऑफ टैपर। ऑप्शन बी, रेडियस ऑफ द जॉब एंड स्मॉल डाया। ऑप्शन सी, बिग डाया एंड स्मॉल डाया। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था टैपर्स को कैसे जानते हैं। जी सही गेस किया, ऑप्शन ए। आंसर इज ऑप्शन ए, गिविंग द बिग डाया स्मॉल डाया एंड द लेंथ ऑफ टैपर। ये हो गया बिग डाया और ये हो गया स्मॉल डाया, और लेंथ क्या है, ये है लेंथ। इसी से ही एक्सप्रेस होता है टैपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1464। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट ऑफ ए टैपर। टैपर का पता लगाने का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए, डी माइनस डी बाय 2L। ऑप्शन बी, डी प्लस 2L बाय डी। ऑप्शन सी, नंबर बाय 8। ऑप्शन डी, डी माइनस डी एल बाय 2L। टैपर का जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन ए, डी माइनस यानी बिग डायमीटर स्मॉल डायमीटर डिवाइडेड बाय 2L यानी लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1465। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द मोस्ट टैपर इज अप्रोक्सीमेटली इज 3 degree एंड टैपर फॉर फुट इज डैश।
मोर्स टापर का निम्नलिखित कोण लगभग 3 डिग्री है और प्रति फुट टेपर है। ऑप्शन ए 5/8 इंच, ऑप्शन बी 3.5 इंच यानी 3.5 इंच भी बोल सकते हैं, ऑप्शन सी 1/2 इंच, ऑप्शन डी 0.6 इंच। आंसर इज ऑप्शन ए 5/8 इंच। मोस्ट टापर का एंगल होता है 3 और उसका टापर पर फुट जो होता है वो होता है 5/8 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1466। क्विक रिलीजिंग ब्राउन एंड शार्प टापर हैविंग ए टापर ऑफ, जल्दी छोड़ने वाला भूरा और तेज शंकु में टैपर डेस होता है। ऑप्शन ए 5/8 इंच, ऑप्शन बी 3.5 इंच टीपीएफ, ऑप्शन सी 1/2 इंच, ऑप्शन डी 0.6 इंच। ये क्विक रिलीजिंग ब्राउन एंड शार्प टैपर का टैपर पूछा गया है। आंसर होगा 3.5 इंच। क्वेश्चन नंबर 1467। ब्राउन एंड शार्प सेल्फ होल्डिंग टैपर आर अवेलेबल फ्रॉम BS1 to BS18 हैविंग टैपर पर फुट इज डैश। BS1 से BS18 तक ब्राउन और शार्प सेल्फ टैपर उपलब्ध है। प्रति फुट टैपर है यानी जो ब्राउन एंड शार्प टैपर होते हैं उसका जो टैपर होते हैं वो क्या है। आंसर इज ऑप्शन बी 3.5। ये होता है BS1 से लेके BS18 तक उसका जो टैपर पर फुट होता है। ब्राउन एंड शार्प सेल्फ होल्डिंग टैपर आर अवेलेबल फ्रॉम BS1 to BS18 हैविंग टैपर फॉर फुट इज डैश। BS1 से BS18 तक ब्राउन और शार्प सेल्फ टैंपरिंग टैपर उपलब्ध है। प्रति फुट टैपर है ब्राउन एंड शार्प सेल्फ होल्डिंग टैपर का जो टैपर पर फुट होता है ये होता है 1/2 इंच। पहले जो बोल दिया था वो गलत है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर है, ये सही आंसर है 1/2 इंच होता है ब्राउन एंड शार्प सेल्फ होल्डिंग टैपर का जो टैपर पर फुट होता है 1/2 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1468। ब्राउन एंड शार्प सेल्फ होल्डिंग टैपर BS10 टैपर पर फुट इज, BS10 का टैपर पर फुट कितना होता है। ऑप्शन ए 5/8 इंच, ऑप्शन बी 3.5 इंच, ऑप्शन सी 1/2 इंच, ऑप्शन डी 0.5161। ये होता है BS10 का जो टैपर पर फुट होता है 0.5161 इंच। BS10 का क्वेश्चन नंबर 1469। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ऑन एक्सटर्नल टैपर ऑफ द लेथ स्पिंडल नोज वेयर द चक और फेस प्लेट इज माउंटेड। लेथ स्पिंडल नाक की
लेग स्पिंडल नाक के बाहरी टेपर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है जहां चक या फेस प्लेट चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए मोस टैपर, ऑप्शन बी ब्राउन एंड शार्प टैपर, ऑप्शन सी जैनो टैपर, ऑप्शन डी पिन टैपर। जैनो टैपर ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी। लेग स्पिंडल नोज में जहां पर फेस प्लेट माउंटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1470। जैनो टैपर आर अवेलेबल फ्रॉम। जैनो टैपर डेस में उपलब्ध हैं ऑप्शन ए 1 to 15, ऑप्शन बी 1 to 20, ऑप्शन सी 5 to 15, ऑप्शन डी 3 to 15। ये तो बहुत इजी आंसर है। जैनो टैपर 1 से 20 तक होते हैं, यानी ऑप्शन बी 1 to 20। क्वेश्चन नंबर 1471। द अमाउंट ऑफ टैपर पर फुट इन जैनो टैपर इज। जैनो टैपर में प्रति फुट शंकु की मात्रा है ऑप्शन ए 5/8 इंच, ऑप्शन बी 3.5 इंच TPF, ऑप्शन सी 1/2 इंच, ऑप्शन डी 0.6 इंच। गेस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन डी 0.6 इंच। क्वेश्चन नंबर 1472। इन जैनो टैपर बिग डायमीटर ऑफ टैपर विल बी फाउंड इज। जैनो टैपर का बड़ा व्यास डेस में मिलेगा ऑप्शन ए नंबर बाय 8, ऑप्शन बी नंबर बाय 10, ऑप्शन सी नंबर बाय 2, ऑप्शन डी नंबर बाय 1। मान लीजिए ये एक जैनो टैपर है, हालांकि है नहीं। एग्जांपल, इसका जो बिग डायमीटर होता है, यानी ये डायमीटर, ये हो गया बिग डायमीटर, इसका पता कैसे लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला होता है? बिग डायमीटर जानने के लिए नंबर बाय 8 डिवाइड करेंगे, जो भी जैनो टैपर होता है उसका नंबर, उसको डिवाइड करेंगे 8, जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा बिग डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 1473। इन जैनो टैपर स्मॉल डायमीटर ऑफ टैपर विल बी फाउंड इज डेस। जैनो टैपर में छोटे टैपर का व्यास पाया जाएगा कैसे? इसका सीधे आंसर बता देता हूँ, आप गेस कीजिए। फिर भी आंसर होगा ये 10, ऑप्शन बी नंबर बाय 10 से जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा उसका स्मॉल डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 1474। इन जैनो टैपर लेंथ ऑफ टैपर विल बी फाउंड इज डैश। टैप्स की लंबाई जैनो टैपर में कैसे मिलेगा? ऑप्शन ए नंबर बाय 8, ऑप्शन बी नंबर बाय 10। इसका सीधा आंसर बता देता हूँ मैं, फिर भी उस गेस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1475। मेट्रिक टैपर हैज एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ। मेट्रिक टैपर में शामिल कोण है ऑप्शन ए 2 degree 51 feet 51 इंच। इसका सीधा आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बोलने का ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन आप देख लीजिए पहले। गेस कीजिए आंसर इसका क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन ए 2 degree 51 foot 51 inch। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1476। मेट्रिक टैपर आर एक्सप्रेस्ड बाय नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंट द। मेट्रिक टैपर संख्याओं द्वारा व्यक्त किए जाते हैं जो डेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए बिग डायमीटर ऑफ द टैपर इन mm, ऑप्शन बी स्मॉल डायमीटर ऑफ टैपर इन mm, ऑप्शन सी लेंथ ऑफ टैपर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। गेस कीजिए आंसर।
आंसर इज ऑप्शन सी, लेंथ ऑफ टेपर। नहीं, ये रॉन्ग हो गया, आंसर होगा ऑप्शन ए, बिग डायमीटर ऑफ द टेपर इन एमएम। क्वेश्चन नंबर 1477, द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड पिन टेपर इन मेट्रिक सिस्टम इज। मेट्रिक प्रणाली में मानक पिन टेपर का अनुपात है, जो रेशियो होता है स्टैंडर्ड पिन टेपर का मेट्रिक सिस्टम में वो क्या होता है। ऑप्शन ए 1:50, ऑप्शन बी 1:48, ऑप्शन सी 1:100, ऑप्शन डी 1:10। जो मैट्रिक टेपर होता है वो होता है 1:50। आंसर इज ऑप्शन ए 1:50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1478, द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड पिन टेपर इन ब्रिटिश सिस्टम इज। ब्रिटिश सिस्टम में स्टैंडर्ड पिन टेपर का रेशियो क्या होता है। ऑप्शन ए 1:50, ऑप्शन बी 1:48, ऑप्शन सी 1:100, ऑप्शन डी 1:20। आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रिटिश सिस्टम में भी वही होते हैं 1:50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1479, व्हाट इज द टैपर पर फुट ऑफ ए स्टैंडर्ड पिन टैपर इन ब्रिटिश सिस्टम। ये टैपर पर फुट पूछा गया है। ब्रिटिश प्रणाली में एक मानक पिन शंकु के प्रति पर का आकार क्या है। ऑप्शन ए 5/8 इंच TPF, ऑप्शन बी 3.5 इंच TPF, ऑप्शन सी 1/2 इंच TPF। TPF यानी टेपर पर फुट। ऑप्शन डी 1/4 इंच TPF। आंसर इज ऑप्शन डी 1/4 इंच TPF। क्वेश्चन नंबर 1480, व्हिच मेथड ऑफ टेपर टर्निंग ऑन ए लेथ इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर वेयर एक्यूरेसी इज नॉट द क्राइटेरियन। एक लेथ पर टेपर मोड़ने की किस विधि का उपयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन में टेपर की छोटी लंबाई के उत्पादन के लिए किया जाता है, जहां सटीकता मानदंड नहीं है। ऑप्शन ए फॉर्म टूल मेथड, ऑप्शन बी कंपाउंड स्लाइड मेथड, ऑप्शन सी टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड, ऑप्शन डी टेपर टर्निंग अटैचमेंट। स्मॉल लेंथ टेपर जहां पर प्रोड्यूस होते हैं वहां पर कौन सा टूल यूज होते हैं। आंसर इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पर छोटे टेपर प्रोडक्शन करना है वहां पर फॉर्म टूल मेथड यूज होगा, ये ध्यान में रखिए। ऑप्शन ए फॉर्म टूल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1481, व्हिच मेथड ऑफ टेपर टर्निंग ऑन ए लेथ इज यूज्ड वेयर द टॉप स्लाइड ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इज स्विवेल्ड टू हाफ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द टेपर एंड द टेपर इज टर्न्ड। एक लेथ पर टेम्परिंग की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। एक लेथ पर टेम्परिंग की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है जहां कंपाउंड रेस्ट की शीर्ष स्लाइड को टेपर के सम्मिलित कोण से आधे पर घुमाया जाता है और टेपर को चालू किया जाता है। ऑप्शन ए फॉर्म टूल मेथड, ऑप्शन बी कंपाउंड स्लाइड मेथड, ऑप्शन सी
टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड, ऑप्शन डी टैपर टर्निंग अटैचमेंट। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, व्हिच मेथड ऑफ टैपर टर्निंग ऑन ए लेथ इज यूज्ड वेयर द टॉप स्लाइड ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इज स्विवेल्ड एंड स्विवेल्ड टू हाफ द इंक्लूडेड एंगल। अच्छा, जो टॉप स्लाइड को पूरा हाफ डिग्री यानी आधे घुमाया जाता है उसका इंक्लूडेड एंगल पर। ये होता है कंपाउंड स्लाइड मेथड, जहाँ पर इस ये मेथड से किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1482। इन कंपाउंड स्लाइड मेथड द अमाउंट ऑफ टैपर पर सेटिंग द एंगल इज फाउंड बाय द फॉर्मूला। यौगिक स्लाइड विधि में कोण को स्थापित करने के लिए शंकु की मात्रा डेस सूत्र द्वारा पाई जाती है। ऑप्शन ए टेन थीटा इक्वल टू डी माइनस डी बाय टू एल। आप इसे देख लीजिए, मैं इसका सीधा आंसर बता दूंगा। गेस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन ए टेन थीटा इक्वल टू डी माइनस डी बाय टू एल। ये टेन थीटा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 1483। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैपर टर्निंग मेथड इज यूज्ड वेयर द जॉब इज हेल्ड एट एन एंगल एंड द टूल मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस। निम्न में से कौन सी टैपरिंग विधि प्रयोग की जाती है जहां काम कोण पर आयोजित किया जाता है और उपकरण घुरी के समांतर चलता है। ऑप्शन ए फॉर्म टूल मेथड, ऑप्शन बी कंपाउंड स्लाइड मेथड, ऑप्शन सी टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड, ऑप्शन डी टैपर टर्निंग अटैचमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैपर टर्निंग मेथड इज यूज्ड वेयर द जॉब इज हेल्ड एट एन एंगल एंड द टूल मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस। आंसर इज ऑप्शन सी टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1484। टेलस्टॉक ऑफसेट इज फाउंड बाय द फॉर्मूला। टेलस्टॉक ऑफसेट का फॉर्मूला क्या है? गेस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी टेलस्टॉक को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी माइनस डी एल बाय टू एल। क्वेश्चन नंबर 1485। इफ द टैपर इज एक्सप्रेस्ड इन टीपीएफ देन द अमाउंट ऑफ द ऑफसेट फॉर्मूला इज। यदि टीपीएफ में शंकु को व्यक्त किया जाता है तो ऑफसेट सूत्र की मात्रा है। ऑप्शन ए टेन थीटा इक्वल टू डी माइनस डी बाय टू एल। बाकी देख लीजिए, मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। TPF देन द अमाउंट ऑफ ऑफसेट, अमाउंट ऑफ ऑफसेट का फॉर्मूला यहाँ पर होगा TPF इंटू एल बाय 24। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1486। इफ द टैपर इज एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो देन द अमाउंट ऑफ ऑफसेट इज। ये रेशियो में पूछा गया है तो उसका ऑफसेट का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर रेशियो पूछा गया होगा, रेशियो को मल्टीप्लाई बाय एल बाय टू ऐसे कर दीजिएगा, बस हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी रेशियो इनटू एल बाय टू। अब ऑफसेट निकल के आ जाएगा उसका रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको
इस वीडियो को पसंद आता है तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।